हेलो एवरीवान वेलकम टू माई चैनल हाउ यू ऑल आई होप आप सभी की अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी आई एम मिलन सिंह आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और इस चैनल पे मैं आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेक्चर्स देती हूँ फिलहाल हम सी जी पी एस सी पे टेक्चर्स दे रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाओं का पार्ट टू इसका पार्ट वन ऑलरेडी हम बना चुके हैं जिसका लिंक आपको यहाँ कहीं पे आई बटन में दिख जाएगा तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है आगामी परीक्षाएं हैं जो सी जी द्वारा कंडक्ट होंगी इन सभी के लिए ये योजनाएं बहुत ज़रूरी हो जाती हैं और ये जो योजनाएं हैं हम इन्हें पढ़ रहे हैं सबल पत्रिका के द्वारा जब छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूरे हुए तो उन्होंने ये सबल पत्रिका लॉन्च की जिसमें कि हमें एक ऑथेंटिक डेटा मिल जाता है पूरी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में तो ये हम यहाँ से पढ़ रहे हैं और आज हम शुरू करेंगे राजीव युवा मितान क्लब योजना से इससे पहले की जो योजनाएं हैं मैं पार्ट वन में कवर कर चुकी हूँ तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप वो देख लीजिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट योजनाएं उसमें भी कवर हुई है और इन सबसे सवाल आने कहीं ना कहीं पर तय ही हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहली योजना जो आज के लिए है वो है राजीव युवा मितान क्लब जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे युवा मितान क्लब है इसका मतलब है कि युवाओं के लिए है तो आखिर है क्या इस योजना में तो दरअसल जो हमारा वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ उसको साकार करने के लिए और जो हमारे राज्य के युवा हैं युवा शक्ति है उसको बढ़ाने और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए युवा मितान क्लब का जो शुरुआत किया गया है क्लब है यानी कि कुछ युवा लोगों का जो संगठन है वो बनेगा और उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा उनको एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी बहुत सिखाई जाएगी जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सके इस योजना का लॉन्च जो शुभारंभ हुआ है

इसके अंतर्गत जो हमारे डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं यानी कि 146 विकास खंड है उसके अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत आती है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस योजना के तहत कार्य करेंगे क्या कार्य करेंगे तो युवाओं में लीडरशिप यानी कि नेतृत्व क्षमता का विकास और कौशल का विकास करेंगे जिससे उनमें एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह की क्वालिटीज़ विकसित हो सके विकास की जो योजनाएं हैं वो उनके साथ डिस्कस करेंगे ताकि वो अवेयर रह सके कि उनके पास क्या क्या नए नए जो योजना हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या उनके लिए सरकार कर रही है इसी तरह से जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जो एन वगैरह के हैं उसमें भी उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए जैसे कि स्वच्छता अभियान हो जाता है वृक्षारोपण हो जाता है स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्यक्रम हो हैं। खेल है संस्कृति रचनात्मक ये सभी से युवाओं को बेसिकली जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है ठीक है तो ये कौन करेगा तो ये ग्राम पंचायत करेंगे कितने ग्राम पंचायतों को ये दिया गया है वन विकास खंड में ग्यारह हजार सौ चौसठ जो ग्राम पंचायत है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है ठीक है और एक और बात है कि इसमें जो क्लब्स हैं उनको प्रतिमा दस हजार रुपये दिए जाएंगे जो आपको याद रखने हैं उनके अपने वर्किंग के लिए ये देखिए यहां पर लिखा भी हुआ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको अपनी गतिविधियों के लिए टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ दिया जाएगा ये आपको याद रखना है ये आपको ऑप्शन में दे सकता है ठीक है दूसरा है नागरिक ऐप तो ये नागरिकों की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री मितान योजना जो प्रारंभ हुई है उसके लिए ठीक है सभी शासकीय विभागों में जितनी भी लोक सेवाएं हैं घर बैठे लोग इस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू ठीक है मतलब वो अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं किसी से है तो निर्धारित समय पे मिल सकते हैं अपने दस्तावेजों को स्कैन कर सकते हैं और उस पर अपलोड कर सकते हैं प्रमाण पत्र पा सकते हैं इसमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है ग्यारह सौ तो ये एक ऐप बना है जिससे लोग जो हैं लोक सेवाओं का घर बैठे लाभ उठा सकते हैं इस ऐप के थ्रू ये भी लॉन्च हुआ है ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट योजना है जिसका फिलहाल आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है वो है पौनी पसारी योजना आपने इसके बारे में सुना भी बहुत होगा देखिए जो परंपरागत हमारे व्यवसाय हैं मतलब कास्ट शिल्प हो गया मिट्टी की कलाएं हैं जो भी परंपरागत हमारे यहाँ के लोग करते आए हैं जो हमारी स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है स्थानीय लोगों को दर्शाता है उसको और अवसर देने के लिए मतलब उस व्यवसाय को और ज़्यादा अवसर देने के लिए ये जो पौनी पसारी योजना है ये प्रस्तावित है और ये सभी 166 जो नगरी निकाय हैं सभी में प्रस्तावित है इसकी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस योजना को एक गांधी जयंती के दिन लॉन्च किया गया था यानी कि सेकेंड अक्टूबर 2019 को ये डेट आपको याद रखनी है कि पौनी पसारी इस दिन लॉन्च हुआ था इसी दिन मुख्यमंत्री हार्ट वाला योजना भी लॉन्च हुआ था शहरी स्लम योजना भी इसी दिन लॉन्च हुई थी जो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर ली थी तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा डोंट मिस इट वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है इस योजना से क्या लाभ है तो जो असंगठित क्षेत्र हैं, जहाँ पर परंपरागत व्यवसाय होते हैं उसमें जो इच्छुक व्यक्ति हैं और स्व सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से दस प्रति दिवस के शुल्क के हिसाब से चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान है मतलब देखिए महिलाएं अपने घर में बहुत सारे कास्ट शिल्प और ये जो वुड के क्राफ्ट्स हैं मिट्टी के बर्तन ये सब बनाती हैं ये हमारी परंपरागत जो व्यवसाय हैं वो है तो उनको और प्रोत्साहन देने के लिए ये ऐसा है कि स्व सहायता समूह जो महिलाएं हैं उनको चबूतरा उपलब्ध कराएगा ताकि वो इसमें अपने प्रोडक्ट्स बना सके और बाद में हम उन्हें बेच सके तो यही है बेसिकली परंपरागत व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पौनी पसारी योजना जो है वो शुरू की गई है ठीक है जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही जानिए क्योंकि ये जो सबल पत्र का है ये नाइन्टी टू पेजेस के हमें पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है ठीक है आगे की योजना का अगर हम बात कर लें तो ये एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान तो देखिए बस्तर के लिए स्पेसिफिकली ये मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया गया था आ, और इसी के साथ साथ मलेरिया के साथ साथ एनीमिया और कुपोषण मुक्त कराने के लिए तथा शिशु और मातृ मृत्यु दर को भी कमी लाने के लिए ये अभियान की शुरुआत की गई थी आपको पता होगा कि हमारी सरकारें काफ़ी समय से एनीमिया कुपोषण इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट इन सबको डिक्रीज करने के लिए डिफरेंट अभियान चला रही है तो सी गवर्नमेंट की तरफ से ये मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चला है तो इसके कुछ आंकड़े हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं इस बार के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये कब प्रारंभ हुआ और कब उसमें क्या लाभ हुए देखिए जो इसका प्रथम चरण था वो फिफ्टींथ जनवरी से लेकर ट्वेंटी थर्ड फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी तक था फर्स्ट फेज ठीक है दूसरा चरण जो आया वो सिक्स जून से थर्टी फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी तक रहा यानी कि अभी तक इसके दो चरण हो गए हैं ठीक है ये फेजेज में हो रहा है तो जब पहला चरण हुआ था उसमें दिया गया है कि चौदह लाख छ हजार लोगों की जांच कराई गई जिसमें जो मलेरिया पॉजिटिव हैं वो इतने पाए गए दूसरे चरण में भी कुछ ऐसी संख्या आपको देखने को मिलेगी आपको जो याद रखना है वो ये है कि इस अभियान के तहत सितंबर 2019 की तुलना अगर हम सितंबर 2020 से करें तो मलेरिया के मामले में बस्तर में 65 परसेंट की कमी आई है जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है ठीक है जब हम कंपेयर करते हैं तो एक टाइम ड्यूरेशन में करते हैं तो सितंबर सितंबर 2019 से लेकर 2021 ईयर के ड्यूरेशन में बस्तर संभाग में परसेंट जो मामले हैं मलेरिया के वो कम हुए हैं और यही आपको याद रखना है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से ठीक आगे अगर हम बढ़ें तो जो नेक्स्ट हमारी योजना आ जाती है पढ़ाई तुहर द्वार देखिए जब कोविड नाइन्टीन हुआ तो लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ बच्चों का और खास कर कि जो ऐसे क्षेत्रों में थे जिनके पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन के थ्रू वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे तो बहुत दिक्कतें हो रही थी उस समय पे लॉकडाउन के दौरान हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने ये चालू किया पढ़ाई तुहर द्वार ठीक है तो इसमें क्या हुआ लॉकडाउन के लिए विभिन्न कक्षाओं में जो अधूरा पाठ्यक्रम है उसके लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया मार्च 2020 से कोविड महामारी के समय पे आपसे यही पूछा जाता है कि कोविड महामारी के समय छत्तीसगढ़ में शिक्षा से रिलेटेड कौन सी योजना चालू हुई तो वो ये है पढ़ाई तुहर द्वार तो इसमें क्या हुआ इस योजना के अंतर्गत तकरीबन 22 लाख बच्चे और 2 लाख शिक्षकों को सीखने सिखाने की सुविधाएं उपलब्ध की गई क्योंकि स्कूल बंद हो चुके थे तो स्टडी मटेरियल तो हो नहीं पा रहा था पढ़ाई भी नहीं हो रही थी तो एक साइट का निर्माण हुआ मतलब वेबसाइट का और उसके थ्रू स्टडी मटेरियल ऑनलाइन दिए गए आप सभी को पता है लॉकडाउन के समय सभी कुछ ऑनलाइन हो गया था तो ये भी ऑनलाइन ही रहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और लाइव सपोर्ट के जरिए छात्रों को पढ़ाया गया तो ये लॉन्च हुई थी ठीक है और इसी में जहाँ पर इंटरनेट मौजूद नहीं है कि ऐसी काफ़ी जगह रही है जहाँ पर इंटरनेट का अभाव रहा तो उस केस में ब्लूटूथ आधारित बुलटू के बोल के माध्यम से शिक्षा जो है वो संचालित की गई है ये आपको ध्यान रखना है पढ़ाई तुअर द्वार एक तो ये ऑनलाइन चालू हुआ शिक्षा देने के लिए और दूसरा जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी वहाँ पे बुलटू के बोल ब्लूटूथ आधारित माध्यम से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम जो आपकी नेक्स्ट योजना है वो है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना देखिए आपको पता होगा सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि वो कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने वाली है उसका नामकरण 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद के नाम पे कर दिया गया ठीक है तो अब से वो जो स्कूल्स हैं वो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से जाने जाएंगे तो ये बच्चे जो छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चे हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए है और इसका जो एजुकेशन uh, सत्र है शैक्षणिक सत्र है वो ट्वेंटी से रहेगा आपको जो आंकड़ा याद रखना है वो है फिफ्टी पूछा जा रहा है अभी आई थिंक स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम का जो एग्ज़ाम हुआ है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का उसमें भी ये सवाल आया है कि कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने वाले हैं तो वो है फिफ्टी टू ये आप याद रखेंगे शासकीय इंग्लिश मीडियम होंगे ये गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसमें कि अभी तक सत्ताईस हज़ार 441 बच्चों ने दाखिला ले लिया है इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जैसे कि कंप्यूटर रोबोटिक्स लिंग्विस्टिक लैब मतलब कुल मिलाकर हम अच्छा खासा डेवलप्ड इंग्लिश स्कूल खोलने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है 52 इंग्लिश स्कूल और अब इनका नाम क्या हो गया है स्वामी आत्मानंद ये कुछ कोविड नाइन्टीन के दौरान अहम फैसले हैं लेकिन बहुत ज्यादा ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज ये उस समय के थे कि uh, कितने वेंटिलेटर एंड ऑल ऑफ दीज तो ये बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं मैंने आपको बताया कि नाइन्टी टू पेजेस का है लेकिन आपके काम का जो जो है वो आप इम्पोर्टेंटली इसमें से पढ़िएगा एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली जो यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है कि uh, जब लॉकडाउन था तो जो मनरेगा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार में 26 लाख परिवारों को रोजगार मिला और एक और मैं बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ लॉकडाउन के समय मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहले पायदान पर है पूरी कंट्री में तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे करंट अफेयर का पार्ट है क्योंकि ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है इसलिए मुझे याद आया मैंने आपको बता दिया तो मनरेगा में सौ दिन की मजदूरी देने के रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ जो है वो अव्वल नंबर पे है उसमें भी राजनांदगांव जिला जो है वो सबसे आगे है ठीक है अब देखिए अब आया ये सर्वभौम पीडीएस योजना देखिए ये वैसे पीडीएस के बारे में आपने बहुत सुना होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी समय से चला आ रहा है फिलहाल ये न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि सेकेंड अक्टूबर 2019 से जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती से ऐसा हो गया कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस पीडीएस के तहत समस्त परिवारों को खाद्यान्न दिया जाएगा पहले ऐसा होता था कि जो अंत्योदय योजना के अंडर आते हैं या बीपीएल वाले उनको मिलता लेकिन अभी प्रदेश में जितने भी हैं चाहे वो आयकर भरते हों गैर आयकर वाले दाता हों कोई भी हो जो समस्त परिवार जो हमारे प्रदेश में है उनको खाद्यान्न उपलब्ध होगा सर्वभौम पीडीएस योजना के अंतर्गत ठीक तो ये अभी थोड़ा सा नया आ गया है तो इसको आपको याद रखना है योजना के अंतर्गत अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराचित अन्नपूर्णा निशक्त जन सामान्य राशन कार्ड धारी सभी को शामिल कर लिया गया है तो इससे क्या हुआ है कि सभी परिवार जितने भी परिवार छत्तीसगढ़ में रहते हैं एपीएल है बीपीएल है कुछ भी है सब इसमें शामिल है और इस हिसाब से हम देखें तो तकरीबन 96% परसेंट की जो पॉपुलेशन हमारे राज्य की है उनको खाद्य सुरक्षा मिल रही है फूड सिक्योरिटी राइट क्योंकि हम सभी को ये राशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि 96% परसेंट पॉपुलेशन को अब ये फूड सिक्योरिटी हमारे स्टेट में मिल रही है उसके अलावा आपको ध्यान रखना है वो ये वाला एक जो टेबल जैसा इन्होंने दे रखा है दरें बता रखिये बेसिकली राशन कार्ड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं आपको पता होगा अंत्योदय राशन कार्ड अलग बनता है प्राथमिकता वाला अलग बनता है देखिए अंत्योदय वालों को अभी भी चावल पैंतीस किलो मिलता है एक रुपए प्रति किलो की कि दर से प्राथमिकता वाले को एक सदस्य है अगर घर में तो दस किलो दो सदस्य है तो बीस किलो तीन से पांच सदस्य है तो पैंतीस किलो और अगर पांच से अधिक है तो प्रति सदस्य सात किलो इस तरह की ये जो इनकी दरें हैं वो आपको याद रखने की जरूरत है ये हम देखिए सभी को दे रहे हैं निशुल्क किसको किसको दे रहे हैं तो जो निराश्रित हैं और निशक्त जन हैं उनके लिए निशुल्क है कोई भी प्राइस नहीं है बाकियों के लिए किसी में दस रुपए है तो किसी में एक रुपए है ये इसी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कुपोषण को दूर करने के लिए कोंडा गाँव में फोर्टिफाइड राइस चावल वो फोर्टिफाइड चावल यानी फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है ये फोर्टिफाइड राइस क्या होता है तो बेसिकली फोर्टिफाइड राइस ऐसी होती है जिसमें भरपूर मात्रा में जिंक होता है आयरन होता है प्रोटीन होता है ठीक है इसमें कुछ ऐसे करके बनाया जाता है कि इस राइस में राइस की क्वालिटी तो होती है लेकिन साथ में ये जिंक आयरन प्रोटीन भी होता है जो कुपोषण से लड़ने में सहायक है तो इसकी शुरुआत कोंडागांव जिले से की गई है तो यह आपको ध्यान रखना है पूछ सकता है कि 45 का कहां से हुआ है? तो वो कोंडा गांव से हुआ है दो हजार बीस में ही नवंबर 2020 अभी अभी की बात है है ठीक अब ये आया गढ़ कलेवा देखिये अगर आप रायपुर में रहते हैं या कभी रायपुर घूमने फिरने आई भी होंगे तो मेरे ख्याल से आपने गढ़ कलेवा के बारे में सुना होगा एक जगह है यहाँ पे घड़ी चौक के पास गढ़ कलेवा जहां पे हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं खान पान है जो व्यंजन है वो आपको मिलते हैं उसी तरह का बिल्कुल लोकेशन बनाया जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ में जो आहार और व्यंजन है वो वहां पर आपको मिलती है आप वहाँ पे उसका लुफ्त उठा सकते हैं अभी तक ये देखिए सिर्फ रायपुर में था लेकिन अब इसको हर एक राज्य मतलब जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है राज्य के जितने भी जिले हैं उसमें बनाने की योजना बना ली गई है तो इससे क्या होगा इससे ये होगा कि जो मतलब विधवा लोग हैं या परियक्ता हैं थर्ड जेंडर है जनजाति महिलाएं हैं स्व सहायता समूह हैं इनको रोज़गार मिलेगा ये गढ़ कलेवा खोल सकते हैं अलग अलग जिले में छत्तीसगढ़ के ठीक है तो ये सभी जिला मुख्यालयों में अब खुलेगा अभी तक कहाँ पर था ये सिर्फ रायपुर में था लेकिन अब 2019 से ये प्रारंभ हो गया कि ये हर एक जिले 28 जिले हैं आप रायपुर छोड़ दें तो बाकी के 27 जिले में ये खुलेगा देखिए इस तरह से ये व्यंजन भी दिए हुए ठेठरी खुरमी फरा ये अलग तरीके से यहाँ पे दिया हुआ ये फरा भी है तो ये हमारे छत्तीसगढ़ व्यंजन है अपने व्यंजन के पार्ट में पढ़ा होगा अब एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना आ जाती है वो है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना देखिए आपको पता होगा तेंदुपत्ता हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स रखता है पूरे देश का तकरीबन सेवनटीन परसेंट जो तेंदुपत्ता उत्पादन होता है वो कहाँ होता है छत्तीसगढ़ में ही होता है तो ये एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट की तरह है हमारे यहाँ के काफ़ी लोगों के लिए तो उसी के लिए ये सामाजिक सुरक्षा योजना जो है लॉन्च की गई है इससे होगा क्या तो देखिए इससे ये होगा कि जो तेंदु पत्ता के कलेक्शन में परिवार लगे हुए हैं संग्रहण में तकरीबन लगभग बारह पचास लाख संग्राहक परिवार जो जुड़े हुए हैं उनको इससे फायदा होगा उन्हीं के लिए योजना प्रारंभ की गई है कब की गई है तो फिफ्थ अगस्त 2020 को की गई है ठीक है इस दिन लॉन्च हुई है क्योंकि अभी अभी अगस्त में लॉन्च हुई है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके आपको रेट्स याद रखने थोड़े ज़्यादा ज़रूरी है जो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो दर है पच्चीस सौ प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर चार हजार प्रति मानक बोरा किया गया मतलब एक जो बोरा होता है पहले पच्चीस सौ में लेते थे प्रति मानक बोरा लेकिन अब उसको इंक्रीज करके चार हजार कर दिया गया है ठीक है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है जितने भी लोग इसमें पंजीकृत होते हैं तेंदुपत्ता संग्रहक परिवार में जो रजिस्टर होते हैं अगर मान लीजिए उसमें किसी मुखिया की आकस्मिक डेथ हो जाती है कोई दुर्घटना हो जाती है विकलांगता आ जाती है कुछ भी आ जाती है तो उस स्थिति में भी इस योजना के तहत उनको कुछ अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा ठीक है उसकी भी यहाँ पर आपको राशि दे है जैसे कि अगर मुखिया है और उसकी आयु मृत्यु दिनांक पचास वर्ष से अधिक ना है अगर सामान्य मृत्यु हो जाती है तो जो उसका उत्तराधिकारी है उसे दो लाख रुपए की राशि दी जाएगी दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो भी दो लाख रुपए की जो अतिरिक्त राशि है वो प्रदान की जाएगी मान लीजिए दुर्घटना दुर्घटना होती है और वो पूर्ण विकलांग हो जाता है परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो उसको दो लाख रुपए दिया जाएगा और अगर आंशिक विकलांगता आती है पूर्ण नहीं आती आंशिक विकलांगता आती है तो एक लाख रुपए तो ये जो अमाउंट्स है वो आपको याद रखने हैं कि अगर सामान्य डेथ होती है और पचास वर्ष से कम की आयु है तो दो लाख रुपए दुर्घटना में मृत्यु होती है तो दो लाख रुपए दुर्घटना में अगर पूर्ण रूप से वो विकलांग हो जाते हैं तो भी दो लाख अगर आंशिक विकलांगता है तो फिर एक लाख रुपए इस तरह से इस योजना क्योंकि सामाजिक सुरक्षा है तो आप समझ सकते हैं सोशल सिक्योरिटी की योजनाओं में इस तरह के आपको फीचर्स देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं यहाँ पर उस केस का दिया है जहां पर जो उनकी एज है वो ज्यादा है हमने अभी देखा कि अगर 50 से एज कम है तो ऊपर में 2 लाख और 1 लाख वाली सिचुएशन थी बट मान लीजिए उनकी एज 51 से 59 के बीच है देन व्हाट विल हैपन उस केस में जो सामान्य मृत्यु अगर होती है तो तीस हजार रुपए अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती तो सेवेंटी फाइव अगर एक्सीडेंट की वजह से पूर्ण विकलांग हो जाते हैं तो भी सेवेंटी है और अगर आंशिक विकलांगता हो जाती है तो थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ये कुछ मोटा मोटी आप याद रख सकते हैं थर्टी फाइव सेवेंटी फाइव एंड थर्टी सेवन इन केस जब फिफ्टी वन से लेकर फिफ्टी नाइन की एज है और अगर फिफ्टी से कम की एज हो रही है तो ये दो लाख और एक लाख का सिचुएशन है ये किसमें है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता योजना में है अब देखिए उसके बाद आती है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना जैसे कि नाम से समझ सकते हैं कि ये बेसिकली प्रॉपर सड़क निर्माण करने के लिए है जिसमें कि जन सुविधा के लिए प्रदेश में सभी शासकीय चिकित्सालय स्कूल कॉलेज भवन जो भी है सभी को सही तरीके से पक्की बारह मासी सड़क से जो जोड़ना मतलब जो पूरे ट्वेल्व मंथ सही से जुड़ा रहे ऐसे नहीं कि बारिश हो और फिर सब गड़बड़ हो जाए अच्छी सड़क से जोड़ना उसके लिए ये जो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना शुरू की गई आपको याद डेट रखनी होगी उन्नीस जून 2020 यानी अभी अभी जून से शुरू की गई है कौन करेगा तो लोक निर्माण विभाग जाहिर से बात है वो इसके लिए क्रियान्वित है इसके लिए प्रावधान कितना है तो 252 करोड़ रुपीस का प्रावधान है ठीक ये ये पे कुछ दिया हुआ है लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इसीलिए अब देखिए 2019 में राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ प्रमुख विकास प्राधिकरण बने हैं उसका थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ कुछ सामाजिक सांस्कृतिक और पूरी तरह से विकास के लिए बस्तर और दक्षिणी क्षेत्र में और साथ ही सरगुजा विकास खंड इनको जो है बनाया गया है ताकि इन जगहों का विकास जो है अच्छे से हो पाए ठीक है तो ये कब बनाया गया 2019 में तो इस चीज को या आप याद रखेंगे कि बस्तर और मेनली दक्षिण क्षेत्र और साथ में ये सरगुजा में बनाया गया है थोड़ा सा एक बार नाम अगर हम यहाँ से देखें तो आपको दिख रहा है बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण इंद्रावती बेसिन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण ओवरऑल हमें देखकर ये समझ में आ रहा है कि मेनली आदिवासियों के विकास के लिए अनुसूचित जाति के विकास के लिए पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए और सिंचाई के विकास यानी कि फार्मर्स की हेल्प के लिए ये सारे जो हैं प्राधिकरण ये बनाए गए हैं ठीक है और इनको अलग अलग कार्य दिया गया होगा जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि आपको पता होगा बस्तर का जो जिला मुख्यालय है वो जगदलपुर में है तो वहां पर ये विकास प्राधिकरण बना हुआ है ये थोड़ा याद रखिएगा आपसे सवाल में पूछ सकता है कई बार आपको पता होगा कि जैसे पूछ देता है बैगा विकास प्राधिकरण कहाँ है पंडो जाति का विकास प्राधिकरण कहाँ है तो उसी तरह से बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण कहाँ है जगदलपुर में है ट्वेंटी से संचालित हो रहा है और बजट में जो इस बार नया बजट आया तो इसकी राशि को बढ़ा दिया गया है थर्टी फाइव करोड़ से एट्टी फाइव करोड़ कर दिया गया है ठीक है इसी तरह से बाकी का भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आपको ये जानना उतना जरूरी नहीं है थोड़ा सा ओवरऑल देख लीजिएगा कि किस लोकेशन में बना है मोर इम्पोर्टेंट अगर हम इसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें मिलेगा राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बन रहा है ये बन रहा है साकरा पाटन यानी कि दुर्ग में आपको पता होगा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो पाटन क्षेत्र से ही हैं भूपेश बघेल जी वहां पे ही साकरा पाटन में बनने वाला है जो हमारे राज्य का सबसे पहला की और वाणिकी का विश्वविद्यालय होगा महात्मा गांधी जी के नाम पे आप ये लिखा देख लीजिए और इसको बिल्कुल याद रखिए कि ये कहाँ बन रहा है सांकरा पाटन में फिफ्टी फाइव करोड़ रुपीज की लागत से तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दो अक्टूबर को इसकी आधारशिला रखी गई जाहिर से बात है महात्मा गांधी जी के नाम पे है उन्हीं के डेट पे ये आधारशिला रखी गई है ये हमारे आ, स्टेट का पहला वानिकी विश्वविद्यालय होगा दुर्ग जिले में बनाया जा रहा है ठीक है इससे होगा क्या तो बेसिकली इससे के क्षेत्र में खेती को बढ़ाया जाएगा ठीक है इसमें कुछ कुछ जैसे यहाँ पर आपको एक टेब्यूलो फॉर्मेट में दे भी रखा हुआ है क्या क्या उत्पादन होगा फल सब्जी मसाला इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर है कि वर्तमान में एट लैख सिक्सटी वन थाउजेंड से अधिक उद्यानिकी फसलों की खेती हमारे यहाँ की जाती है आई थिंक आपको इसके क्रम भी पता होंगे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर uh, सब्जी होती है उसके बाद फ्रूट्स uh, होते हैं फिर मसाला होता है और पुष्प uh, होता है सबसे लास्ट में आपकी औषधि सुगंधित पौधे ये सब आते हैं यहाँ पर उनका जो वर्तमान में uh, जो उत्पादन होता है क्षेत्रफल है वो यहाँ पर दे रखा है तो इसके हिसाब से आप देखेंगे कि इसी को बढ़ावा देने के लिए और इनको इंक्रीज करने के लिए हम ये विश्वविद्यालय खोल रहे हैं जहां पे और तकनीक वगैरह सिखाई जाएंगी कुछ देखा जाएगा कि कैसे और हम इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ठीक है और यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में अगर उद्दीन की फसलों की खेती की बात करें तो थर्टीनथ रैंक पर आता है क्योंकि ये डेटा यहाँ पर लिख दिया है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये आप याद रखेंगे और एक और डेटा इम्पॉर्टेंट है कि मत्स्य पालन में हम सिक्स रैंक पे हैं और हम अभी मत्स्य पालन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं तो वो भी रैंक आप यहीं लगे हाथ याद रख लीजिए ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं टेनिस स्पोर्ट्स अकेडमी देखिए धीरे धीरे छत्तीसगढ़ खेल के मामलों में भी अपने आप को डेवलप कर रहा है और उसी में एक और डेवलपमेंट आई है कि टेनिस जगत में पहचान बनाने के लिए हमने ये नया टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी प्रस्तावित किया है तो ये जो है इंदिरा गांधी जी की जयंती के दिन पे प्रस्तावित ये हुआ है नाइनटीन नवम्बर को और ये कहाँ रहेगा तो ये रायपुर में रहेगा रायपुर में आपको पता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है तो उसी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में चार एकड़ की भूमि दी गई है उसमें ये अकेडमी बनेगी और अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि पंद्रह माह में ये बन तैयार हो जाएगी तो आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा टेनिस अकेडमी कहाँ पर प्रस्तावित है तो वो है रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर चार एकड़ की भूमि में कब प्रस्तावित हुई तो ये हुई है पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर ठीक ये आपको इसमें से याद रखने की जरूरत है इसके लिए एक स्लोगन भी दिख रहा है यहाँ पे खेलबो जीतबो नवा छत्तीसगढ़ अब ये एक काफी इम्पोर्टेंट है बहुत समय से आपने सुना होगा देखा होगा कि सुराजी गांव योजना जो हमारी हुई उसके अंतर्गत चार कार्यक्रम आए नरवा गरवा घुरवा और बारी इसके आपको धीरे धीरे अर्थ समझने होंगे क्योंकि अर्थ से ही सवाल आता है और इनफैक्ट आया भी है नरवा का क्या मतलब है तो नरवा का बेसिकली मतलब है कृषि और कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देना कृषि का सिंपल मतलब है कि जल स्रोतों का संरक्षण करना और उन्हें वापस से रिस्टोर करना कृषि अच्छे से कब हो पाएगी जब हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटी है सिंचाई की फैसिलिटी है वो अच्छी हो पाएगी तो ये जो नरवा है बेसिकली पानी से रिलेटेड ये समझ लीजिए कि जो जल स्रोत हमारे हैं उनको उनका संरक्षण करना और उनको वापस से री करना ताकि जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो सही बना रहे ये नरवा का उद्देश्य है लॉन्च हुआ है फर्स्ट जनवरी 2019 को सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत तो इसमें ये बोला गया है कि 2000 से अधिक जलाशय को अच्छे साइंटिफिक वे से विकसित किया जाएगा ताकि ट्वेल्व हंड्रेड सेवन जो नाले हैं उनमें डीपीआर तैयार हो सके और अच्छे से हम जल स्रोत बना सके तो आपको यही याद रखना है कि जो नरवा है वो जल स्रोतों से रिलेटेड है कृषि और कृषि सिंचाई के लिए है ये देखिए नल की फोटो भी यहाँ पे आपको दे रखी नल नहीं मतलब कि नहर की फोटो दी हुई है उसके बाद आती है गरवा अब ये गरवा क्या है तो गरवा बेसिकली पशुपालक लोगों के लिए है कि पशुपालक के पास अक्सर उन्नत नस्ल की पशु नहीं होती तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं हो पाता है तो उनको पशुओं का रख रखाव उनके पालन पोषण वो ठीक से कर नहीं पाते हैं तो उसमें फिर क्या होती है कि पशु में कभी ज्यादा अच्छा पोषण नहीं मिल पाता नस्ल उनकी अच्छी नहीं हो पाती तो उसके लिए गरवा के तहत गौठान का निर्माण किया जाएगा क्या किया जाएगा गौठानों का निर्माण किया जाएगा ताकि पशुओं की देखभाल हो सके डेट तो सेम ही है फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी नाइनटीन से ही शुरू हुआ है तो ये देखिए कुछ इस तरह से गौठानों का निर्माण होगा जहाँ पे सभी पशुओं को रखा जाएगा उसमें कुछ लक्ष्य वगैरह हैं जैसे कि पाँच हजार गौठानों का लक्ष्य हमने रखा हुआ है जिसमें कि इतनी गौठाने बन चुकी हैं इतनी चिन्हित है आप लक्ष्य याद रख लीजिए पाँच हजार गौठानों का लक्ष्य है ठीक है प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान विकसित की जाएगी और प्रत्येक विकास खंड में एक मॉडल गौठान बनाया जाएगा ध्यान रखिए विकास खंड हमारे वन फोर्टी सिक्स है ग्राम पंचायत भी तकरीबन ग्यारह हजार के आसपास जो आपको याद रखनी है गौठानों से क्या फायदा होगा हमें गोबर और मिट्टी मिलेगी और उससे फिर हम जैविक खाद बनाएंगे मेरे ख्याल से आपको सरकार की गोधन न्याय योजना के बारे में पता होगा वो भी लगभग -लग लगभग -लग -लग इसी से रिलेटेड है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर की थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेक श्योर यू डेफिनेटली रीड दैट आई मीन वॉच दैट फर्स्ट पार्ट इज वेल नेक्स्ट पे अगर हम आए तो घुरबा आ जाता है हमने नरवा देखा गरवा देखा अब घुरवा अब ये घुरवा क्या है तो ये कहीं ना कहीं गरवा से ही रिलेटेड है तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैविक खाद डालकर हम किसानों में सुनिश्चित करेंगे कि उनकी उर्वरता बढ़ाई जा सके ठीक है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हम फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल्स यूज कर रहे हैं रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं अब हम चाहते हैं कि अब हम जैविक खाद यूज करें तो घुरवा के थ्रू तो हम कोशिश करेंगे कि रासायनिक खाद का प्रयोग थोड़ा कम करके जैविक खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उससे कृषि उत्पादकता को बढ़ाएं जैसे कि हमने देखा गरवा में हम गौठानों का निर्माण करेंगे जब हम गौठानों का निर्माण करेंगे तो उससे हमें गोबर वगैरह मिलेगा जिससे कि हम वर्मी कंपोस्ट करेंगे ठीक है और उसी वर्मी कंपोस्ट बेसिकली जैविक खाद बनाएंगे और उसको फिर इस घुर के तहत जो है जमीनों में किसानों को देंगे ताकि उनकी जो कृषि की उत्पादकता है वो बढ़ सके और वो रासायनिक खाद पे ज्यादा निर्भर ना रहे तो ये देखिए यहाँ पे एक फोटो में दिया है कि वो जैविक खाद डाल रहे हैं अपने खेतों में ठीक इसमें है चार हजार गाँव में पांच लाख टन से अधिक जैविक खेत तैयार करने का तथा विक्रय करने का काम दिया गया है ये गोधन कार्यक्रम के तहत दो रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जा रहा है वर्मी कंपोस्ट में आठ रुपये प्रति किलो की दर है ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ ये उसी से ही रिलेटेड है ठीक इसके बाद आपका आएगा लास्ट जो कि बाड़ी बाड़ी आप समझते होंगे ना आंगन जैसा होता है बाड़ी होती है हर घर में बाड़ी ऐसी लगी होती है जहाँ पर हम सब्जी फल फूल उगा लेते हैं बस वही है सब जगह पे ऐसा एक कहा जा रहा है कि परंपरा जो घरेलू बाड़ियों है उनको बढ़ावा दिया जाए कि अपने घर में ये सब्जी फल फूल आप जरा उगाएं तो इससे क्या होगा कि व्यवसायिक स्तर पे उगाएं तो उससे आपको थोड़ी सी इनकम भी होगी और ये अच्छा रहेगा मतलब सबके लिए पोषक आहार सबको मिलेंगे तो बाड़ी उसी से रिलेटेड है ये भी सेम फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी को लॉन्च हुआ है ठीक है इसमें फल फूल का उत्पादन आप कर सके ताकि आपको अतिरिक्त आय मिल सके उसके लिए है फल तथा सब्जी के बीजों का वितरण होगा जब सबके घर में ऐसे बाड़ी बन जाएगी मतलब जो एक एरिया होता है वहां पे तो वहां के लिए सरकार जो है इनको फल और सब्जी के बीज देगी और फिर वो अपनी बाड़ी में से उगा सकते हैं खेत में तो खेती करेंगे ही साथ में बाड़ी में फल फूल उगाएंगे तो भी उनको अतिरिक्त आय का ऑप्शन मिलेगा है ना ये बात आप समझ रहे होंगे उसके बाद एक ये धरसा विकास योजना है जिसका एक नारा है मोर गांव मोर खेत मोर रद्दा तो धरसा विकास में दरअसल क्या हो रहा है कि आपको पता होगा खेत कल्याण में मेड़ होते हैं कच्चे रास्ते पक्के तो होते नहीं है मेड़ होते हैं जो कि कच्चे रास्ते होते हैं तो ऐसे में कई बार किसानों को जरा दिक्कत का सामना करना पड़ता है आने जाने के लिए यू नो किसी भी चीज के लिए उनको सुविधा नहीं मिल पाती तो इस धरसा योजना की जो शुरुआत हुई वही स्वामी आत्मानंद जी की जयंती 6 अक्टूबर को ही देखिए 6 अक्टूबर को ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों का नाम आत्मानंद के नाम पे रखा गया है उनके बर्थडे के दिन उसी दिन का ये धरसा योजना के लिए भी भूपेश बघेल जी ने घोषणा की कि धरसा योजना होगी इसमें हम जो खेत खल्याण है उनको पक्के रास्ते से जोड़ेंगे ताकि सबको सुविधा मिल सके कुल मिलाकर सड़क बनाना ही के ही तरह समझ सकते हैं आप धरसा को लेकिन इसमें यह है कि हम खेत खलियानों को पक्के रास्ते से जोड़ेंगे सड़क में तो हम सड़क बनाते हैं जो बारह माह सही साथ चले लेकिन यहाँ जो खेत है उनको जोड़ने के लिए हम पक्के रास्तों का निर्माण करेंगे ठीक है ये आपका इससे हो गया अब देखिए मछली पालन को खेती का दर्जा देने की पहल जारी है ये आपके लिए सच इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैंने कहा मत्स्य उत्पादन और बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ थोड़े अग्रणी राज्य में है छठवा रैंक इसका आ गया है और इसने अभी अपना जो मिनी माता बांध है हसदेव बांगो जो बांध है उसको मछली एक्सपोर्टर के रूप में भी विकसित करने का फैसला ले लिया है हम मछली उत्पादन को काफी प्रोत्साहन दे रहे हैं हम उसके लिए ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं तो अब हमने ये कहा है कि उसे हम खेती का दर्जा भी दे, दे देंगे आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ही जो लाख होता है लाख को भी खेती का दर्जा हमने दे दिया छत्तीसगढ़ लाख उत्पादन में सेकेंड है ठीक है आपको आई थिंक ये पता होगा लाख की चूड़ियाँ अगर आपने सुनी होंगी वही लाख है पेड़ से जो बनता है इसे कृषि का दर्जा ऑलरेडी मिल चुका है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अब किवायत ये चीज की जारी है कि अब हम मत्स्य उत्पादन को भी कृषि का दर्जा दे दें ठीक है अभी तक ऐसा हुआ नहीं है बट होने की कवायद जो है जारी है आपके लिए जो जानना जरूरी है वो ये है कि ए, कुछ डेटे हैं डेटाज हैं जैसे कि दो वर्ष का यहाँ पे लिखा हुआ है कि मत्स्य बीज उत्पादन में थर्टीन परसेंट का इंक्रीज हुआ है और मत्स्य उत्पादन में नौ प्रतिशत की वृद्धि आई है कितनी नौ प्रतिशत तो ये जो नौ प्रतिशत है आपको याद रखना है और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हसदेव मांगो जलाशय में एक हजार केस की परियोजना की स्वीकृति है मतलब हम इसको आ, फिश एक्सपोर्टर मछली एक्सपोर्टर के रूप में बनाने वाले हैं विकसित करने वाले हैं तो ये एक योजना भी परियोजना जो है स्वीकृत की गई है हसदेव बांगो कोरबा में है आपको पता होगा मिनी माता बांगो भी से कहते हैं ठीक अब देखिए वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वत इसके लिए आप इतना ही याद रखिए कि वन अधिकार पत्र देने के मामले में छत्तीसगढ़ फर्स्ट रैंक पर है पूरी कंट्री में इस वजह से ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब ये वन अधिकार अधिनियम क्या है थोड़ा सा देख लीजिए जो अनुसूचित जाति जनजाति लोग हैं वो पात्र हैं वन अधिकार पत्र के जो उस वन के आसपास रहते हैं ये बेसिकली उनका राइट हुआ करता था फॉरेस्ट ड्यूलर का राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्यूलर तो वो 2006 का ये बेसिकली योजना है बाद में इसका अमेंडमेंट 2012 में भी हुआ था तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ राज्य में तकरीबन फोर लैक फोर्टी वन थाउजेंड से

तो ये है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना आपको पता होगा नगरी निकाय के जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट वार्ड्स बने होते हैं ना वार्ड्स की कुछ लिमिट होती है सत्तर वार्ड चालीस वार्ड एंड सो ऑन आपने पढ़ा होगा नगर पंचायत नगर पालिका नगर निगम उसी से रिलेटेड है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना तो बेसिकली क्या है कि जो नगरी निकाय के जो प्रत्येक वार्ड हैं उसमें जो निवास करने वाले स्थानीय नागरिक हैं उनको सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ये जो योजना है इसका प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना ठीक है बेसिकली गुड गवर्नेंस आप कह सकते हैं ताकि जो वार्ड में रहने वाले लोग हैं उनको आसानी से सुविधाएं प्रोवाइड हो सके और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका तुरंत ही सोल्यूशन मिल सके समस्याओं का त्वरित निदान हो सके बुनियादी सुविधाएं उनको उपलब्ध की जा सके ये भी कब हुआ है सेकेंड अक्टूबर ट्वेंटी नाइनटीन जयंती थी किसकी महात्मा गांधी जी की उसी दिन इस योजना का भी प्रारंभ किया गया तो इससे क्या लाभ होंगे तो देखिए वार्ड में जो लोग हैं जिस एक पर्टिकुलर वार्ड है मान लीजिए वहां पे जो लोग रहते हैं उनको जिस भी तरीके सुविधाओं की जरूरत है वो सभी का ख्याल इसमें रखा जाएगा साफ सफाई हो गई सड़कों का निर्माण नालियाँ स्ट्रीट लाइट वगैरह वगैरह जितने भी इम्पोर्टेंट है सब है ध्यान रखिएगा वार्ड को और डेवलप करने की बात है यहाँ पर फिलहाल आपका मैं एक डेटा थोड़ा सा ठीक करवा दू वर्तमान में प्रदेश में तेरह नगर निगम है ऐसा इसमें दिया है लेकिन अब एक और नगर निगम बन चुका है तो अब जो नगर निगम की संख्या है वो कितनी हो गई चौदह ये कौन सा है तो ये है रिसाली जो कि दुर्ग में है दुर्ग भिलाई का जो रिसाली है और इसी तरह से नगर निगम अभी सबसे ज्यादा किस में हो गए हैं तो दुर्ग संभाग में सबसे ज्यादा नगर निगम हो गए हमारे नगर निगम की संख्या कितनी हो गई चौदह ये चीज आप याद रखेंगे अच्छा मोर बिजली ऐप जैसे कि नाम से है एक ऐप बना हुआ है किसका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए जैसे आपकी मीटर रीडिंग आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं किसी और तरह की आपको दिक्कत है तो आप ये पूरा इसी ऐप में देख सकते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए ये बनाया गया है इसका शुभारम्भ सिक्स अक्टूबर ट्वेंटी को आत्मानंद जी के बर्थडे के दिन ही किया गया है ये ध्यान रख लीजिएगा किसने किया है तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो सी एस पी ने ही किया होगा और उन्होंने ही किया है ठीक है तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं आप 90 फीसदी से ज्यादा सेवाओं का घर बैठे लाभ ले सकते हैं कोई भी आपको समस्या आ रही कंप्लेन है आपकी इसी ऐप के थ्रू आप उस समस्या का निराकरण ले सकते हैं कुल मिलाकर यह आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है ठीक है ये बेसिकली हर उपभोक्ता उप का मोबाइल बिजली दफ्तर बन जाएगा आपको बार बार बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे आपको नाम परिवर्तन कराना है मीटर शिफ्टिंग करानी है कुछ कनेक्शन करवाना है कुछ भी अगर आपको इश्यूज है आप इसी के थ्रू करा सकते हैं ठीक है ये मोर बिजली ऐप है इतना ही आपको याद रखना है बाकी ज्यादा नहीं अच्छा हाफ बिजली बिल देखिए ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है इसमें क्या हुआ है <coughs> सॉरी प्रदेश में जो निम्न और मध्यम वर्ग के जो घरेलू उपभोक्ता हैं मतलब बिजली के उनको ये राहत प्रोवाइड करेगा क्योंकि कुछ यूनिट्स तक इसने बिजली बिल को क्या कर दिया हाफ कर दिया आपको पता होगा मीटर रीडिंग होती है तो यूनिट्स में होती है ये फर्स्ट मार्च 2019 को लॉन्च हुआ है इसके तहत क्या होगा मान लीजिए एक उपभोक्ता है उसने पर मंथ की खपत की गई है चार यूनिट ठीक है तो 400 यूनिट की जो बिजली है पर आधे बिल की राशि की छूट प्रदान की जाएगी ठीक है प्रति माह की खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर आधे बिल की राशि में छूट प्रदान कर दी जाएगी 400 यूनिट तक का खपत कितना लगेगा तो प्रति यूनिट ढाई रुपए देने का यहाँ पर आपको दिया गया है आपको याद रखना है चार यूनिट और आपको याद रखने हैं ढाई रुपए के चार सौ यूनिट में पर यूनिट पैसा आपको कितने लगने वाले हैं ढाई लगने वाले हैं बिजली बिल बाद में हाफ हो जाएगा ठीक है तो सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी तक कुल इतने उपभोक्ता इससे लाभ ले चुके हैं यह है तो आपको बस याद रखने चार सौ यूनिट और ये ढाई रुपीज इस पर्टिकुलर योजना में जो बिजली बिल हाफ हुई है मनरेगा के बारे में आप सभी जानते हैं बहुत ज्यादा इसमें हमें देखने समझने की जरूरत तो नहीं है लेकिन हाँ आंकड़े आप देख सकते हैं कि जो चालू वित्तीय वर्ष है उसमें हमने 26.34 लाख फैमिलीज को रोजगार दिया है एक चीज याद रखिए लॉकडाउन के समय मनरेगा में 100 दिन का गारंटीड रोजगार देने वाला छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर का स्टेट है एट द सेम टाइम जो अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी में मनरेगा की दर थी मतलब पैसा था वन नाइन्टी रुपीज़ था ये भी आपको याद रखना है ये एम के क्वेश्चन सीरीज में मैंने करवाया है फर्स्ट पार्ट में आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन था सो मेक श्योर यू वॉच दैट एंड ये चीज़ आप याद रखेंगे इससे ज़्यादा आपको डेटा इसमें से याद रखने की ज़रूरत तो फिलहाल नहीं है ठीक है थोड़ा हम अगर आगे देखें तो इस पे अब है ये राम वन गमन पर्यटन स्थल आपको पता होगा राम गम, वन गमन पथ बना है जिसमें कि हम पर्यटन जो स्थल हैं जहाँ पे हम मानते हैं कि राम जी ने कुछ समय व्यतीत किया उसको हम पर्यटन स्थल में परिवर्तित तो और विकसित कर रहे हैं तो ये अलग अलग चरणों में होगा तो प्रथम चरण के लिए नौ स्थानों को चुना गया ये आपको याद रखना है कितने स्थानों को नौ उन नौ स्थानों का नाम दिया हुआ है आप एक बार याद रख लीजिए क्या पता आपसे सवाल पूछ दे रामगढ़ से अंबिकापुर शिवरी नारायण कहाँ जांजगीर चापा शबरी के बेर वाला हम मारते हैं तुरतुरिया बलौदा बाजार जहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है लव कुश की जन्मस्थली कही जाती है चंदखुरी रायपुर जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है इकलौता कौशल्या माता का मंदिर राजिम गरियाबंद सिहावा जो सप्तऋषि का आश्रम है धमतरी में जगदलपुर पस्तर और रामाराम सुकमा तो ये नाम थोड़े याद रख लीजिएगा कुछ कुछ खास है अक्सर पूछे भी गए हैं तो इन नौ स्थलों को राम वन गमन पथ के लिए पहले चरण में विकसित किया जा रहा है ठीक है इसमें ना मैप भी दिया हुआ लेकिन ये इट्स नॉट वेरी क्लियर सो डिफिकल्ट रिमेम्बर करना तो आप वो नाम नौ जो है वो अभी याद रखिए फॉर नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट अब ये देखिए कौशल्या माता का मंदिर ऑटोमेटिकली न्यूज में आ गया इसके चक्कर में हमारे यहाँ वैसे तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं और टेम्पल्स से क्वेश्चन भी आते रहते हैं आपको ध्यान रखना है भगवान राम का ननिहाल कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी जो कि कहाँ पर है रायपुर में है तो इसे याद रखिए एक लौता कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है चंदखुरी रायपुर में राजधानी रायपुर के निकट ही है तो राम वनगमन जो योजना है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है तो इसका क्या होगा ब्यूटिफिकेशन होगा सौंदर्यीकरण होगा और उसके लिए पंद्रह करोड़ पचहत्तर लाख रुपए की लागत का बात किया गया है यह वैसे याद रखने की जरूरत नहीं आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि रायपुर चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है और राम वन गमन पथ में ये शामिल है फर्स्ट फेज में ही शामिल है ठीक है ये इस चीज को याद रखेंगे तो उतना काफी होगा और फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ी अपने विकास की बात की है जो फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है से हो सकता है, really बारे भुपेश भागेल जी की सरकार आई, कब आई? 2018 में तो उन्होंने किसानों के कर्ज की माफी दे दी ठीक है तो उससे क्या हुआ तकरीबन सेवनटीन लाख एटी टू थाउजेंड किसानों को फायदा हुआ और उनका अल्पकालीन ऋण जो है वो माफ हो गया है सरकार बनते ही पहली बैठक में ये जो है कैबिनेट ने फैसला लिया ऋण माफी का तो इसके तहत हुआ क्या वो आप याद रख लीजिएगा कि जो अल्पकालीन कृषि ऋण है 30 नवंबर 2018 तक के जितने भी ऋण हैं वो सरकार ने सब माफ कर दिए हैं सब के सब तो ये डेट याद रख लेना कि 30 नवंबर 2018 तक जो सहकारी बैंक से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जितने भी कृषि ने ऋण लिए हैं कृषि ऋण फार्मर्स ने लिए उनके सारे ऋण हमारी सरकार ने क्या कर दिए माफ कर दिए इसी तरह से सिंचाई कर जो होता है इरिगेशन टैक्स वो भी माफ है पिछले पंद्रह सालों का कितना है टू फोर्टी फोर करोड़ रुपीस ये भी माफ कर दिया गया है सिर्फ कृषि ऋण ही नहीं सिंचाई कर भी इससे ना सत्रह लाख किसानों को फायदा मिला है तो दिस यू हैव तो टू रिमेम्बर ठीक इसके बाद है वन उपज संग्रहण इसका एक चीज आप याद रख लीजिए कि जो लघु वन उपज है उनकी संख्या बढ़कर फिफ्टी टू हो चुकी है थर्टी वन हुई थी बीच में अब उससे बढ़कर फिफ्टी टू हो गई है रिसेंट में तो ये जो एक चीज है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ये देखिए इसमें दे भी रखा है कि अब फिफ्टी टू हो गई है ठीक है पहले ये सात फिर अड़तीस फिर और चौदह हुए कुल मिलाकर अभी फाइनली बावन हो गई है महुआ का समर्थन मूल जो है बढ़ा दिया गया तो आपको याद रखना पहले सत्रह था अब तीस रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा ये आपसे सवाल में पूछ सकता है कि महुआ का जो समर्थन मूल्य है वो कितना कर दिया गया है ठीक है यहाँ पर दे रखा है कुछ कुछ डेटा लेकिन आई डोंट थिंक ये उतना इम्पोर्टेंट है महुआ वाला याद रख लीजिए और फिफ्टी टू याद रख लीजिए तो इस तरह से कुल मिलाकर हमने फाइनली ये जो पूरा आपका सबल था ये दो पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया है योजना में ट्रस्ट मी सीजी की योजनाओं में इससे बाहर सवाल नहीं आने वाले हैं ये आप अच्छे से करके जाइए पिछले वर्ष के कुछ जो क्वेश्चन आए हैं ट्वेंटी और 2020 ट्वेंटी के उसमें आपको यहीं से सवाल देखने के लिए मिले हैं तो और जो आपको सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं वो नेशनल लेवल के मिल सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई और इस तरह के जो न्यूज में रहे हैं Uh, जैसे कि अभी सड़क निर्माण की योजना हो गई और अभी एक थर्ड फेज की योजना चालू हो रही आयुष्मान भारत एंड सो so ऑन आत्मनिर्भर भारत तो ये आपके नेशनल लेवल है एज फार एज स्टेट लेवल इज कंसर्न तो यू हैव टू रिमेंबर इतनी ही योजनाएं ये कर लीजिए वीडियो को चार बार देख लीजिए आपको याद हो जाएगा जब भी आप योजना पढ़ते हैं तो आपको क्या याद रखना है उसका ऑब्जेक्टिव उसकी लॉन्च डेट और बेनिफिशियरी दैट्स इट और अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ से वो लॉन्च हुई है मान लीजिए अगर कोई है तो उसको याद रख लीजिएगा जैसे कोंडागांव में ही फोर्टीफाइड राइस फ़िलहाल मिल रहा है तो वो आप ध्यान रख लीजिए मछली एक्सपोर्ट करने के लिए हम जो हसदेव बांध है उसको देख रहे हैं तो इस तरह का अगर कहीं पे आया है रामवन गमन पथ में नौ है तो ये याद रख लीजिए बाकी आपको उनकी लॉन्च डेट याद रखनी है ऑब्जेक्टिव क्या है और उनसे जो बेनिफिट अभी तक मिले हैं किसी को वो कितने हैं जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 19 लाख जो फार्मर्स हैं उनको मिला है और मलेरिया में 65 परसेंट की कमी आ गई है ऋण माफ़ी में 17 लाख किसानों को फ़ायदा हो गया तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है फिर तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ चल ही रहा है आप भी पढ़िए आगे बढ़िए यही हम चाहेंगे फाइनली ये यहाँ पर आपको मिनिस्टर्स की प्रोफाइल भी दे रखी है ये भी आप थोड़ा अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं अदरवाइज़ हमने पूरी की पूरी जो सबल है कंप्लीट कर ली है एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आगे भी आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स देती रहूंगी अंटिल देन थैंक यू सो मच कीप स्टडिंग कीप वॉचिंग बाय